हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में। फ्रेंड्स, टूथपेस्ट का इस्तेमाल हमेशा दांतों को साफ करने के लिए किया जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी टूथपेस्ट के कुछ अनोखे उपयोग जिसको शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर आपके घर में कांच का टेबल है और उस कांच के टेबल पे कई बार चाय और कॉफी रखने से उसके दाग पड़ जाते हैं, तो ऐसे ही चाय कॉफी के दाग साफ करने के लिए आप किसी कपड़े पे थोड़ा सा टूथपेस्ट ले ले और इससे ये दाग साफ करें, तो ये चाय का दाग बहुत ही इजीली साफ हो जाएगा। अगर छोटे बच्चों ने क्रेयॉन से आपकी वॉल खराब कर दी हो, तो ऐसे ही क्रेयॉन्स के स्टेन्स को निकालने के लिए आप ले थोड़ा सा टूथपेस्ट और इसी टूथपेस्ट की हेल्प से आप इस क्रेयॉन्स के दाग को बहुत ही इजीली रिमूव कर सकते हो। अगर आपके शूज खराब हो गए हो, तो इन्हीं शूज को फिर से चमकाने के लिए आप किसी टूथब्रश पे थोड़ा सा टूथपेस्ट ले ले और इससे ये शूज साफ करें, तो ये फिर से नए जैसे हो जाएंगे। कई बार खाना बनाते वक्त प्याज, लहसुन या फिर फिश काटते वक्त आपके हाथ में इसका स्मेल रह जाता है, तो इससे बचने के लिए आप आपके हाथ को टूथपेस्ट से वॉश करें, तो हाथ साफ होने के साथ साथ स्मेल फ्री भी हो जाएगा। चांदी के गहने यानी कि सिल्वर ज्वेलरी बहुत ही जल्दी काली पड़ जाती है, तो इन्हीं ज्वेलरी को फिर से चमकाने के लिए आप ब्रश पे ले ले थोड़ा सा टूथपेस्ट और इसकी हेल्प से इस ज्वेलरी को साफ करें, तो ये फिर से पहले जैसे चमकने लगती है। बाथरूम में लगा हुआ आईना अगर पानी के दाग लगने से खराब हो गया हो, या फिर हो आपके मोबाइल की स्क्रीन, ऐसे ही कई सारे कांच को साफ करने के लिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। टूथपेस्ट के इस्तेमाल से ये कांच बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएगी और फिर से चमकने लगेगी। कई सारे ऐसे बर्तन होते हैं जिसमें दूध रखने से इन बर्तनों में इस दूध की स्मेल आने लगती है, तो इसी स्मेल को दूर करने के लिए ऐसे बर्तनों को आप टूथपेस्ट से साफ करें। टूथपेस्ट के इस्तेमाल से बर्तनों में लगा हुआ स्मेल बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगा। जले हुए आयरन को साफ करने के लिए आप इसकी प्लेट को टूथपेस्ट से साफ करें, तो इससे ये बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टूथपेस्ट के बहुत ही अनोखे उपयोग। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो यूजफुल लगा हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कुछ ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे दिए गए बेल बटन को प्रेस कीजिए ऐसे ही कुछ नए और यूजफुल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।